बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। वेल गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ होती हैं और डिपेंडेंट क्लास क्या चीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती हैं जो कि खुद इन्हिसार होती हैं, जो कि कम्प्लीट थॉट जनरेट करके दे सकता है, जिस तरह से हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। और डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो कि हमें कम्प्लीट थॉट जनरेट करके नहीं दे सकता, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। कंप्लीट वीडियो आप लोग बुलबुले में देख सकते हैं। ओके, आज हम सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सो इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन ये है कि यह हमारे पास कम्प्लीट थॉट जनरेट करके दे सकता है। इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है और एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक आई प्ले फुटबॉल। ये हमारे पास, अब इनको अगर कंसिडर किया जाए तो ये एक ही क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, सही है। और दे ईट मैंगोज, ये भी एक सिंपल जुमला है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कम्प्लीट मीनिंग, जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। और इसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या चीज़ होती है? कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट कंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब इसमें मामला कुछ और है, इसमें दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि किसी कंजंक्शन के ज़रिए से उसे जॉइन किया जाता है, जो कि कंजंक्शन के ज़रिए से उसे कंबाइन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लें एग्जांपल में, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रही थी। अब ये भी हमारे पास एक अलग सेंटेंस कंसिडर हो सकता है। और एंड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो एंड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारे पास एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है और ये वाला हमारे पास एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बनाता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए शर्त हमारे पास ये है कि इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग देख लीजिएगा कि जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे तो वो मोस्टली हमारे पास कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हेनेवर द प्राइसेस गोज अप कस्टमर्स बाइज लेस प्रोडक्ट्स। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ग्राहक जो है वो कम चीज़ें खरीदते हैं। तो व्हेनेवर द प्राइसेस गोज अप, ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास कौन सा है, डिपेंडेंट क्लास वाला पार्ट है। और अब बाय द कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो वो सेंटेंसेस कि जिसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास होता है और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।